नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। कोरोना काल के समय में लोगों को अब केंद्र सरकार के द्वारा धीरे धीरे राहत देने का काम भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में ढील देने के साथ साथ अब आगामी 5 अगस्त से जिम और डांस क्लासेस को खोलने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको लेकर जिम, डांस और योगा क्लासेस चलाने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है। योगा और डांस क्लास चलाने वाले संचालक दंपति का कहना है कि पिछले 22 मार्च से लगे लॉकडाउन के कारण वो घरों में कैद हो गए थे, जिसके चलते आर्थिक संकट के साथ साथ मानसिक रूप से भी वो परेशान हुए हैं। पहले तो किन किन बच्चों को अलाउड हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो बहुत छोटे एज ग्रुप के बच्चे हैं उन लोग को हम लोग अभी थोड़ा सा एक महीना या डेढ़ महीना जैसा भी होता है, जैसे भी एक्टिविटी सिटी में होती है, जो भी हमारे कोरोना पेशेंट निकलते हैं उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको अलाउ करेंगे। लेकिन जैसे अगर बात आती है बड़ों की, तो बड़ों में हम लोग का जैसे योगा का स्टार्ट हम लोग ने करेंगे, बाकी हम लोगों ने काफ़ी प्रिपरेशन भी की है इस चीज़ को लेकर। बहुत राहत महसूस हो रही है क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, मार्च से अब तक ये ऑफ है और हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई बुला नहीं रहा है, घर पे कोई काम नहीं है, यहाँ कुछ काम नहीं है, रेंट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, रेंट में हमें कोई राहत नहीं है, प्रॉपरली हमें रेंट पे करना है, कैसे करेंगे ये हमें पता नहीं। लेकिन इस चीज़ की बहुत खुशी है कि हाँ 5 तारीख से हमारी क्लासेस ओपन हो रही हैं। टिहरी गढ़वाल में जिला मनरेगा संगठन